हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पैसेज ऑफ रेसिपी। आज हम बनाएंगे आम की लौंजी। आम की लौंजी बनाने के लिए हमें आम चाहिए। मैंने पांच आम लिए हैं। पांच आम को इस तरह से स्लाइस में मैंने कट कर लिया है। ये देखिए, बीज हटा दिए हैं, ऊपर का छिलका छील लिया था। इसी साइज के मैंने पांच आम लिए, जो इतने हुए टोटल। अब हम स्टार्ट करते हैं आम की लौंजी बनाना। तो लौंजी बनाने के लिए कढ़ाई में एक चम्मच मैं देसी घी डालूंगी, इतना सा बस। घी गरम होगा, लौंजी में सौंफ का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो सौंफ डालेंगे। तेल गरम होते ही सौंफ डालेंगे, ज्यादा सी। इसमें कलौंजी डालेंगे और इसमें डालेंगे आम, सारे आम डालेंगे। अब इसको इस तरह से फ्राई कर लेंगे और इसको, ये देखिए, इसको ऐसे हिलाते रहेंगे। मैं ढकने जा रही थी लेकिन बहुत अच्छी स्मेल आ रही है सौंफ की, कलौंजी की। थोड़ी देर हम इसको ऐसे ही गैस लो कर देंगे और थोड़ा ऐसे ही इसको पकने देंगे, क्योंकि आम पकने में टाइम लेता है। उसके बाद हम इसमें बाकी चीजें ऐड करेंगे। अब इसको देखते हैं, हो गए 4-5 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसमें इस्तेमाल करूंगी चीनी। चीनी अंदाजे से चीनी डालेंगे, जितना आपको मीठा चाहिए हो। ये 2 कप चीनी चली गई है इसमें, और मैं साथ में गुड़ भी इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि गुड़ और चीनी का जो फ्लेवर आएगा वो दोनों बहुत अच्छा आएगा। सिर्फ चीनी चीनी नहीं, गुड़ भी थोड़ा सा। इसको मिक्स करेंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे। हिला देते हैं, उसमें ढक्कन लगा के इसको पकाएंगे 10 से 15 मिनट तक। 15 मिनट तक हो गए हैं। अब इसको हम चेक करते हैं। ये देखिए, थोड़ी थोड़ी गलनी चालू हुई है, बहुत टाइम लेगा मुझे, 10-15 मिनट अब ये और लेगा। अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च, स्वाद के अनुसार ले लीजिएगा। जैसा आपको थोड़ा तीखा ज़्यादा चाहिए हो तो तीखा आप ज़्यादा ले सकते हैं, और लाल नमक। इसको मिला देते हैं। अब नमक पड़ने के बाद ये थोड़ा तेजी से पकेगा। अभी देखिए पतला है, चाशनी भी पतली है और ये पक गया है, लेकिन अभी गला नहीं अच्छे से, तो इसको 10 मिनट तक और पकाना पड़ेगा। काफी टाइम लेगा, मतलब अभी मिलने में अच्छे से पक गया है, लेकिन अभी इस चाशनी में मिलने में टाइम लेगा। हम गैस तेज कर देंगे क्योंकि पक चुकी है अच्छे से। थोड़ा सा इसको इस तरह से हिलाएंगे और फिर इसको पकाएंगे। देखिए पक रही है, कड़ी है बस। अब हम गैस बंद कर देंगे। ये देखिए हमारी पूरी अच्छे से इसमें मिल गई है। बाउल में निकालेंगे। थोड़ी देर रखने के बाद ना, जब ये ठंडी होगी तो ये अपने आप थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। अभी ये थोड़ी पतली दिख रही है, गर्म है, जब ठंडी होगी तो अपने आप गाढ़ी हो जाएगी। और ये देखिए हमारी लौंजी बनके तैयार हो गई है। गुड़ पड़ा है इसे, थोड़ा सा डार्क कलर है। अगर सिर्फ चीनी डालेंगे तो ये वाइट वाइट सी थोड़ी बनेगी, मतलब एकदम साफ साफ सा दिखेगा। लौंजी जो मैं एकदम आसान तरीके से मैंने बनाना बताया है। अगर आपको पसंद आया हो तो थम्स अप बनता है। मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।